हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू टॉप मॉडल फैशन एक्सप्रो, जो कि मैंने अभी 3 दिन हुआ परचेज़ किए हुए। तो आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कैसी बाइक है, अच्छी है कि आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हेड से इसका जो बाइक है इसके हेड से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका हेड बहुत ही अच्छा है जो कि पार्किंग लाइट के साथ आता है। ये देख पाएंगे, जैसे ही आप ऑन करेंगे आपकी पार्किंग लाइट जल जाएगी और जैसे ही ये जो हेड फोकस लाइट है वो डायरेक्ट इंजन से रहती है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि BS4 मॉडल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पर आपको इनके इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, फैशन प्रो से तो अच्छा ही लुक देते हैं क्योंकि फैशन प्रो वाले अच्छा नहीं लुक देते हैं। तो नीचे मेटल गार्ड की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है और जो इनके सोकर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं अलॉय व्हील के साथ, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा हॉर्न देखने को मिल जाता है जो कि अभी मैं आपको बजा करके दिखाऊंगा कि ये कैसी आवाज़ देता है। ये थोड़ी आवाज़ नहीं ठीक देता है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही लाउडली है और कान में चुभता भी है, तो इस वजह से इसको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये है चोक, जैसा कि आप देख पाएंगे ये नीचे की तरफ करेंगे तो चोक लग जाती है, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बंद हो जाती है। और यहाँ पर टंकी का ऑन ऑफ सिस्टम लगाने वाला है, जैसे कि अगर 2 लीटर के ऊपर रहता है तो आप ऑन में लगा सकते हैं, ऐसा मानना है कंपनी वालों का कि इससे एवरेज की खपत कम होती है। और यहाँ पर आपको ये पूरा फाइबर का देखने को मिल जाता है, ये देखिए। और टंकी आपको बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए इन्होंने एक नया सिस्टम लगा दिया है, ये भी फैशन एक्सप्रो का लोगो दे देते हैं। और टंकी ये इन्होंने बहुत ही अच्छी कर दी है। और यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मिरर था कि आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर BS4 का मॉडल देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर हॉर्न है, इंडिकेटर है, अपर डीपर भी है। और ये और यहाँ पर आपको i3s वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि सेल्फ लगने वाला रहता है, क्लच से सेल्फ लगता है, अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। साकर्स भी इनके बहुत ही अच्छे हैं, पीछे का जो टायर है ये भी, इसकी ग्रिप भी बहुत ही अच्छी है आप देख पाएंगे। और ये भी अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर है जो कि MRF का टायर मिला है। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है MRF का टायर मिला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पीछे भी वही इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और पीछे का लुक थोड़ा बहुत ही अच्छा है। जो इसकी लाइट है ये भी xcross में बनती है, ये बहुत ही अच्छी लगती है, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर आप इसका पूरा सिस्टम देख पाएंगे अच्छी तरीके से। जो कि इंजन है ये 110 सीसी का है सेल्फ स्टार्ट के साथ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि 110 सीसी में सेल्फ स्टार्ट के साथ है इंजन। और जो इसका साइलेंसर है ये न्यू आई स्मार्ट का साइलेंसर लगा करके दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है इस साइलेंसर की और आवाज़ भी कुछ अच्छी है। तो चलिए आइए आगे से देखते हैं इसका मीटर। तो सबसे पहले किल ऑन करते ही आपको यहाँ पर i3s वाला लोगो देखने को मिल जाता है और उसी के किनारे इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है और इस किनारे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और ये पासिंग लाइट जो होती है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और आपको इंडिकेटर अभी मैं दिखा रहा हूँ, गियर उतारिए, यहाँ पर आपको न्यूटन दिखाई पड़ता है और यहाँ पर आपको पासिंग लाइट दिखाई पड़ती है। ये डिजिटल मीटर है और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो एक बार सुई ऊपर जा करके नीचे आती है, ये आपको RPM नहीं बताती, ये स्पीड बताती है कि कितने स्पीड से चलती है। और यहाँ पर आपको किलोमीटर दिखाता है तो ये अभी 51 किलोमीटर चल चुकी है, हाँ जी 51 किलोमीटर चल चुकी है। और ये जो है यहाँ पर आपको फ्यूल बताता है कि आपका फ्यूल कितना है और यहाँ से आप ट्रिप लगा सकते हैं कि इसमें ट्रिप है। लेकिन मैं मुझको एक फ्यूचर इनका नहीं समझ में आया, अगर ये यहाँ पर डिजिटल मीटर करना चाहते थे तो यहाँ पर इनको टाइमिंग भी देनी चाहिए थी, टाइमिंग एंड डेट। ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि अगर इन्होंने टाइमिंग और डेट दी होती तो ये बहुत ही बेस्ट गाड़ी है, अगर आपको परचेस करना तो कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो सीट की बात करें तो सीट इन्होंने बहुत ही सॉफ्टी बनाई हुई है, लेकिन ये आगे से आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी है क्योंकि जो आम गाड़ियाँ हैं वो हल्की सी इसमें चौड़ी सी गद्दी रहती है, यहाँ तक का कवरिंग रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें बैठने से थोड़ा नॉर्मल लगता है, इस वजह से यहाँ पर मैं अभी इसको
पूरा फुली कराने वाला हूँ गद्दी को, तो आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो और भी मैं आपको कुछ वीडियो बताना चाहूँगा इसके बारे में, जैसा कि टॉप स्पीड और ये कितना माइलेज वाइलेज देती है, ये सब भी आपको वीडियो देख पाए नहीं होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि अभी मैं आपको इसके इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और हॉर्न और इसका जो सेल्फ स्टार्ट है, अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड लगाइए, स्टैंड वाली लाइट भी दिखती है, ये देखिए, ये मैं दिखाना भूल गया था, तो अभी आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हॉर्न और इसकी सारी जितनी भी साउंड क्वालिटी है वो सुनते हैं। तो देख पाएंगे आप इसके इंडिकेटर ऑरेंज कलर के, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अपर डीपर दोनों इसी के काम करता है, ये हेड जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसकी जो फोकस है वो भी बहुत ही अच्छी कवरिंग है। तो और अभी हम लोग हॉर्न की आवाज़ सुनेंगे, तो ये देखें, तो जो इसकी आवाज़ है ये भी बहुत ही अच्छी है। बस और यहाँ पर जो ये जो स्टैंड लोगो है, इसमें हम एक बीप लगाने वाले हैं, जो कि स्कूटी पेप्ट में आती है। जैसे ही आप स्टैंड का लगाएंगे और वो बीप देने लगेगा टें, इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। आप ज़रूर ये इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ऐसे अब तो बहुत ही बाइकों में आने लगा है कि स्टैंड वाला दिखाई पड़ता है। और इसका साइलेंसर की आवाज़ सुनाते हैं, चलिए स्टार्ट करिए। शॉट भी निकाल सकते हैं, ये आपको सुनाई पड़ रहा होगा। अभी मैं आपको इसको चला करके दिखाऊंगा कि ये कैसी चल रही है। ये बहुत ही अच्छी चल रही है और इसकी स्पीड भी मैं चाहूंगा कि अच्छी निकालूं। There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days.